हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी कुकिंग विद मम्मी में आपका स्वागत है। आज मैं मेरे रूम का अभी रिसेंट में पेंट करवाई हूँ, उसका मैं थोड़ा सा लुक दिखाना चाहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है। मैंने जो कंट्रास्ट कलर डिसाइड किए हैं ये मुझे पसंद है, पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं। तो फर्स्ट आप देखें कि ये हमारा छोटा सा लुक्स, ये देखिए ये हमारा टेडी बियर है और यहाँ पे हमारा टीवी है जो कि अभी ख़राब है तो वो अभी बनने के लिए गया हुआ है। और ये देखिए कुछ शो पीसेस है जो मैं अपने घर में से जाई हूँ, वो वाला जो है वो मैं खुद से बनाई हूँ, वो मेरा हैंड मेकर है, हैंड से बनाया हुआ है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो मैंने रीबॉक्सिंग इसकी की थी जो कि अभी स्टार्ट में मतलब लगवाई नहीं हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसा लगता है ये वॉल लैम्प मेरे रूम में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिएगा ये वाला जो ट्री है ना, ये भी मैं खुद से बनाई हूँ, उसको सिल्वर ट्री कहते हैं। ये सब होम डेकोरेशन का चीज़ है, मुझे होम डेकोर करना बहुत पसंद है तो इसलिए मैं बनाई हूँ। और ये देखिए हमारे वॉल को ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, ये वाला वॉच ये भी मैं न्यू इस पेंट के साथ मंगवाई हूँ। और ये देखिएगा ये साइड से छोटा सा कबर्ड टाइप का है जिसमें हमारा किताब है, होता है ना नमाज किताब होता है, वो हम लोग बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, वहाँ कोई टच नहीं करता, सिर्फ पाक साफ लोग ही उसको टच करते हैं इसलिए वो सेपरेटली रहता है। और ये देखिएगा ये मेरे वॉल में ये इसकी ये खूबी है ना, ये ना रात का अंधेरा होता है ना जब लाइट ऑफ करते हैं तो वो अलग से शाइन करता है, उस मीन्स वो रेडियम वाला लाइट है। और इसके साथ ये देखिएगा ये वाला मैंने वॉल में टेक्सचर डलवाया है, ये तो अभी देखने से वाइट लग रहा है लेकिन ये वाइट नहीं, ये सिल्वर कलर का है, सिल्वर कलर का है। और यहाँ यहीं पे मैं अपना वॉल लैम्प लगवाने वाली हूँ इस बल्ब के बदले, ताकि ये वॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला टेक्सचर करवा करके। तो ये रहा हमारा सिंपल सा रूम, आपको कैसा लगा मेरा रूम का कलर पेंट ये सब, आपको पसंद आया है? ये हमारा फ्लोर है, ये सिंपल सा पेंट है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरे रूम में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि इससे रिलेटेड या फिर और भी कुछ मेरे माइंड में जो आए मैं सबके लिए वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को इंटरटेन कर सको। ओके, टिल देन बाय।